आचार्य जी प्रणाम मैं एक टीचर हूं और हीन भावना के कारण किसी से सहजता से बात नहीं कर पाता हूं यहां तक कि मैं बच्चों से भी जिनको मैं पढ़ाता हूं उनसे भी सही से बात नहीं कर पाता हूं मेरा जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है मैं इसे मैं इस पर जो है आपका राय जानना चाहता हूँ कि मतलब आप मुझे क्या सलाह देंगे जिससे मैं जो है अपने आप को सुधार सकूँ मैं बहुत परेशान हूँ आचार्य जी ऐसी कौन सी सलाह है जो गीता में है ना जी जो आपको इतने सत्रों ने नहीं दे दी सर चार महीने से मैं जुड़ा हुआ हूँ गीता सत्रों से और मुझे मतलब जितना मुझे लगा कि जो है जो जितनी बात मैं आपकी सुनता हूँ वो मेरे लिए शब्द ही रह जाते हैं उनको मैं जो है अपने कार्यान्वित नहीं कर पाता हूँ अभी तक मैं जितना भी मेरा मतलब रहा है कर पाता हूं माने मतलब उनको मैं जो है जीवन में अपने इम्प्लीमेंट जो है कम कर पाता हूँ माने क्या होता है नहीं करते हैं मैं करता नहीं हूं अब यही सर समझ में नहीं आ रहा कैसे सर इम्प्लीमेंट समझ करें? में आने की बात ही नहीं है जी कुछ चीजें समझ की मोहताज नहीं होती ना समझ में आने की क्या बात है मैं कोशिश कर रहा हूं आचार्य जी कोशिश नहीं होती जी या तो करा जाता या नहीं करा जाता या तो कर लो या नहीं कर लो जो काम करके होना है जो काम कर से होना है ये कर हाथ वो काम जबान से नहीं हो सकता बाबा आप जीवन में सही कर्म नहीं कर रहे हो उसकी भरपाई कुछ बोल करके नहीं हो सकती या कुछ सुनकर भी नहीं हो सकती करना माने करना बहुत बोलना बहुत सुनना जहाँ हमें बताया गया ना कि नत्मा बल हीने लभ्य हो वहां यह भी बताया गया कि आत्मा न बहुत बोलने से मिलती है ना बहुत सुनने से मिलती है अरे करना है तो करना है अब उसकी जगह अगर इतना बोलना है तो उससे थोड़ी हो जाएगा मैं कर नहीं पा रहा हूं इसका कोई उत्तर नहीं होता इसका क्या उत्तर दे? केवल यहां आना अब रुक जाओ बोलो मैं आ नहीं पा रहा हूं बोलो जोर से इसका क्या उत्तर है केवल कदम बढ़ाओ बोलो मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं, पा रहा हूं। इसका क्या जवाब दू आचार्य जी मैं कोशिश बहुत कर रहा हूं जो ये जो ये बोल रहे हैं वही वही दोहराओ बोलो अब मुझे आचार्य जी समझ में नहीं आ रहा क्या कि, किस वजह से जो है समझ में नहीं आ रहा ना कैसे आऊं क्यों अपनी अंदरूनी साजिश में मुझे ही भागीदार बनाते हो आपको फिर जो करना है करिए उसमें मुझे क्यों बीच में ला रहे हैं अच्छा पूछो बोलो बस मैं ये चाहता हूं आचार्य जी की मैं जो है सबकी तरह सहज जीवन जी सकूं। मैं जवाब दे नहीं पा रहा हूं <laughs> मैं चाहता हूं मैं सबकी तरह सहज जवाब दूं। मैं जवाब दे नहीं पा रहा हूं कोशिश में पूरी कर रहा हूं अंत में बेटा दो ही तरह के लोग बचते हैं जो करते हैं और जो नहीं करते ये जानना समझना और ज्ञान और सिद्धांत ये ना एक जगह पर आकर के बहुत सस्ता हो जाता है मामला क्योंकि इसके नकली होने की पूरी संभावना रहती है खरा खरा रहा है आपका ज्ञान आपकी समझ कि नहीं इसका निर्धारण तो इसी से होता है कि उसको जिया कि नहीं बाकी सब बातें बहुत सस्ती हो जाती हैं जिंदगी अंततः यह नहीं पूछेगी कि ज्ञान कितना है जिंदगी पूछेगी किया क्या जिए कैसे रखे रहो अपना ज्ञान आचार्य जी चार महीने से सब समझ लिया लेकिन मैं क्या करूं मुझसे कुछ होता नहीं है मैं भी क्या करूं मुझसे जवाब नहीं दिया जाता एक तो ना मुझे इसमें अपना भी अपमान लगता है एक और तो बोलते हो आचार्य और दूसरी हो समझते हो मुझे बुद्धू कि वहां पे खड़े होकर के मुझे कुछ बोलोगे और मुझे समझ में भी नहीं आएगा कि तुम सचमुच कर क्या रहे हो बहुत मेहनत करी है, बहुत जिंदगी देखी है आप अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाते मैं उससे पहले समझ जाता हूं कि आप कहां से बोल रहे हो और ये बात में कोई बहुत घमंड में नहीं बोल रहा हूं बहुत अभ्यास किया है कई बार तो लोगों को लगता है यह हमारी बात सुन नहीं रहे बात यह है कि मैं समय बचा रहा हूं आप जो बोल रहे हो उसमें आपके शुरू करने के कुछ सेकंड बाद में समझ गया था कि आप क्या बोलना चाह रहे हो क्योंकि आप जो बोल रहे हो उसमें कुछ नया नहीं है कुछ नया हो तो पहली बार सुनो भी आप जो बोल रहे हो किसी पुराने घिसे हुए टेप के दोहराने जैसी बात है आपने कोई गाना सत्तर बार सुन रखा हो अब जब इकहत्तरवीं बार सुनोगे तो दो सेकंड के अंदर ही सब जान जाओगे ना कि इसमें आगे क्या है या पूरा सुनने की जरूरत पड़ेगी उसके बोल जानने के लिए पूरा तो नहीं सुनना पड़ेगा ना अब सत्तर बार पहले ही सुन चुके हो यह गाना मैं सत्तर बार सुन चुका हूं पहले फिर सुना रहे हो और मुझे इतना तुम किया समझ रहे हो कि मुझे समझ में ही नहीं आएगा इतनी शान से खड़े होकर के आपने ये सवाल पूछा इसी शान से जिंदगी के सामने खड़े हो जाओ ना यहां कम से कम डेढ़ हजार लोग बैठे हैं अभी ज्यादा ही होंगे डेढ़ हजार से उनके बीच में इतनी मौज में और इतनी ठसक के साथ मेरी डांट खा रहे हो क्या शान है इसी ठसक के साथ जिंदगी के सामने खड़े हो जाओ और हो तो सकते और नहीं तो यहां तो नहीं खड़े हो जाते यहां खड़े हुए हो यही प्रमाण है कि इतने भी कमजोर नहीं हो फिर नमस्ते आचार्य जी जी मेरे प्रश्न पे आपने पहले ही कई पहलुओं पर आपने बात करी नशा हो गया काम हो गया साहस और सौंदर्य की बात की आपने तो अभी पेंडेमिक और जियोग्राफिकल टेंशन की वजह से अब की बार जो मैं अभी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ तो रेसेशन चल रहा है बेसिकली जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हद तक कम हो गई है तो सभी जो मेरे बैचमेट्स हैं जो, जो कैंपस प्लेसमेंट्स अभी चल रही हैं तो उनमें काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही है और हायरिंग एकदम कम हो चुकी है तो उसकी वजह से क्या हुआ है सबको अपने स्किल सेट पे सवाल खड़े हो रखे हैं सब किसी को एजुकेशन लोन की वजह से किसी को और फैमिली में मतलब जैसे मेरी फैमिली आर्थ की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है आपकी बातें सुनता हूँ तब तक ठीक है लेकिन फिर भी कुछ भी करता हूं तो बार 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 आते है कि अब क्या होगा क्या होगा तो उसी से मैं मैं चाहता था कि आप इस पर कुछ एड ऑन करें तो आपकी समस्या ये नहीं है कि अब क्या होगा आपकी समस्या ये है कि जो जो कामनाएं थी जिनकी पूर्ति के अरमान संजोए थे उनका क्या होगा वरना क्या होगा आप पैसे पूछ रहे हो अब क्या होगा जैसे कल भूकंप आने वाला है जैसे आने वाला है जैसे भूखों मरने वाले हैं ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं वो आप भी जानते हो कोई भी व्यक्ति जो भविष्य को लेकर आशंकित रहता है वो भविष्य को लेकर आशंकित नहीं है वो अपनी आज की हसरतों को लेकर आशंकित है तुम्हें डर ये है कि आज तुमने जो बेकार के अरमान का फुग्गा फुलाया है वो कल कहीं फूट ना जाए इसीलिए वो फुग्गा फुलाना ही नहीं चाहिए क्योंकि भविष्य ने कोई ठेका नहीं ले रखा हमारे अरमान पूरे करने का आज कोविड कल कुछ और आ सकता है क्यों किसी भी चीज को लेकर के आश्रित बनते हो क्यों अपनी खुशी को कल की किसी घटना का मोहताज बनाते हो क्यों कहते हो कि मैं संतुष्ट तभी रहूंगा जब कल कोई चीज मेरे मुताबिक होगी एक सवाल पूछ रहा हूं आपको सुनने में अजीब लगेगा नौकरी तुम्हारे पास अभी भी नहीं है तो क्या हो रहा है नौकरी तुम्हारे पास अभी भी नहीं है मान लो नौकरी कल भी नहीं होगी अगर अभी नौकरी नहीं है तो तुम्हें ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें लग रहा है कल नौकरी नहीं होगी तो हो जाएगा आज नौकरी है तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हो गया हुआ तो कुछ नहीं अभी तो कॉलेज चल रहा है लेकिन बाद में मतलब एजुकेशन कॉलेज नहीं चलेगा बाद में कुछ जिम्मेदारियां भी तो होंगी जैसे लोन वगैरह ले रखा है काफी चीजें हैं तो उनको भी अगर नहीं होगी काम नहीं होगा उसकी चिंता होती है तो अब तो बेटा लोन ले रखा है तो माखी गुड़ में फंस रही हा? लोन जब लिया जाता है चाहे पढ़ाई के लिए चाहे व्यापार के लिए चाहे घर के लिए चाहे किसी भी चीज के लिए तो लोन तो ये देख के लिया जाता है ना कि जिस एसेट के लिए ले रहा हूं उसमें से इतना आएगा भी क्या कि लोन चुका पाऊंगा सर जब एडमिशन लिया था 2020 में तब टेक हायरिंग काफी ज्यादा हो रही थी और सब सही चल रहा था लेकिन प्लेसमेंट आते हैं सिचुएशन चेंज हो गई मैनेजमेंट का ये बुनियादी नियम होता है कि जो चीजें भविष्य में अनप्रिडिक्टेबल हैं जब एडमिशन लेते हो उसके चार साल बाद प्लेसमेंट होता है तुमने चार साल बाद की फोरकास्टिंग पे अब लोन उठाया है तो कोई क्या बोल सकता है बेचना कोई एसेट अपना लोन को चुकाना और क्या करेगा कोई कोई और इसका आध्यात्मिक जवाब नहीं है ना बैंक को गीता सुनाने से लोन का विवर नहीं मिलेगा यही कर सकते हो अब जगह जमीन गाड़ी जेवर कुछ बेचना और लोन चुकाना और क्या इसका कोई और जवाब नहीं है क्या जवाब दो धन्यवाद